बंगाली टोला पातालेश्वर स्थित पुष्प दंतेश्वर महादेव के वार्षिक हरियाली श्रृंगार का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बंगाली टोला पातालेश्वर स्थित पुष्प दंतेश्वर महादेव जी का सावन के आखिरी सोमवार पर वार्षिक हरियाली झूला श्रृंगार किया गया। मध्याह्न 12 बजे बाबा का रुद्राभिषेक कर गंगाजल पंचामृत स्नान कराकर सूरज चंद्रमा तारा से सुशोभित बाबा की दिव्य झांकी सजाई गई और बाबा की चल प्रतिमा को झूले पर विराजमान कर झूला श्रृंगार किया गया। शाम 7 बजे बाबा की भव्य आरती की गई। आरती के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। ये श्रृंगार प्रतिवर्ष राष्ट्र की सुख समृद्धि विश्व कल्याणार्थ हेतु श्री श्री यंत्रपीठम समिति द्वारा संकल्पित है। ये सभी कार्यक्रम पंडित शिव प्रसाद पांडे के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर देर रात्रि तक दर्शन पूजन का क्रम जारी रहा। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन के आखिरी सोमवार पर बंगाली टोला पतालेश्वर स्थित श्री पुष्प दंतेश्वर महादेव जी का वार्षिक झूला हरियाली श्रृंगार किया गया। इसमें मध्याह्न बाबा को 12 बजे पंचामृत गंगा जल से स्नान कराकर पूजन कर 2 बजे बाबा को झूला पर बैठा कर उनकी चल प्रतिमा दिव्य श्रृंगार कर आरती पूजा सायं 7 बजे किया गया। बाबा का दर्शन पूजा हम लोग जो भी पूजा पाठ कर्म कांड करते या करवाते हैं जहाँ भी दर्शन पूजा करने जाते हैं उस स्थान पर देवता के ऊपर चढ़े फूल पुष्प अक्षत जल आदि ये भूल चूक से हमारे पैरों तले लगते हैं जिसका हमको दोष लगता है, तो बाबा के दर्शन मात्र से प्राणी दोष मुक्त हो जाता है। ये बाबा पुष्प दंतेश्वर महादेव गंधर्व राज पुष्प दंतेश्वर हैं, शिव महिम स्त्रोत के रचयिता हैं और काशी मिंकावड़ा महात्मा है।